एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। दोस्तों दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लड़के लड़की शादी का बाप चाहते थे, लेकिन शादी का बाप इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। लड़के ने मजबूरी में शर्त घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा मैं भी जाऊंगा, अगर आप गए तो शादी नहीं होगी, अगर आप गए तो शादी नहीं होगी, लेकिन मैं जाऊंगा, कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उनको डिग्गी में बैठा निकालो, लेकिन उनको डिग्गी में डाल दिया गया। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा शादी तभी होगी, लड़के से कहा शादी तभी होगी जब पानी की जगह दूध बहवा दो, पानी की जगह दूध बहवा दो, पॉसिबल नहीं है, कहा या तो पॉसिबल लगी नहीं है। नाना ने डिग्गी से आने लगी लगी, नाना ने इतनी सी बात के लिए, तुम सब इतनी सी बात के लिए, तुम जाकर लड़की के बाप से कह दो, जाकर लड़की के बाप से कह दो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, तालाब का पानी खाली करा दो। या दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? बापरे धरती बड़ी है, धरती धरती बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी? ओए शेष नाग बड़ो, अरे शेष नाग, शेष नाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी है बड़े, शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो अरे नहीं, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं, हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मोए ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे कौवे सबनते बड़ो। चल ठीक है, या दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मौसम चल रहा है। जब सोने लगते हैं तब मच्छर काटने लगते हैं, और जब मच्छर काटने लगते हैं तब कंबल ओढ़ना पड़ता है, और जब कंबल ओढ़ लेते हैं तो गर्मी लगने लगती है, और जब गर्मी लगती है तब पंखा चलाना पड़ता है, और जब नहाने जाते हैं तो गर्म पानी लेते हैं, और जब प्यास लगती है तब ठंडा पानी पीते हैं। पता नहीं हो क्या रहा है, लगता है कौनो फिरकी ले रहा है।